सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर आज जो हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ना, हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। सर अब सीन ये है कि सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को ऑडिट डॉक्यू हर चीज डॉक्यूमेंट करनी होती है कि उसने कौन कौन सर ऑडिटर को हर चीज क्या करनी होती है सर ऑडिटर को हर चीज उसको कंक्लूड करनी होती है कि यार उसने ना कौन कौन सा काम किया, कौन कौन सी चीजें उसने परफॉर्म की, जैसे ये पता चल सके कि अगर मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट पे अपना ओपिनियन दिया या कंक्लूजन दिया अपने ऑडिट रिपोर्ट पे, वो किस बेसिस पे दिया, कौन से बेसिस पे, कौन से बिहाफ पे सर मैंने ये कंक्लूजन दिया, ओपिनियन दिया, अनमोडिफाइड दिया, मॉडिफाइड दिया, क्वालिफाइड दिया, एडवर्स या डिस्क्लेमर, ये क्यों दिया, किस बिहाफ पे दिया। तो ऑडिटर को क्या करना होता है सर, ऑडिटर को वर्किंग पेपर बनाने होते हैं। ये वर्किंग पेपर हमारा डिस्कस हो चुका था। वर्किंग पेपर दो तरीके के होते हैं, एक मैनुअल वर्किंग पेपर होता है, एक कंप्यूटर असिस्टेड कंप्यूटर टेक्निक वाला वर्किंग पेपर होता है। कंप्यूटर टेक्निक वाले में गलतियों के कम चांसेस होते हैं, कॉस्ट बच जाती है, नीटर क्लीन क्लीन और स्पीडी बन जाते हैं, कैलकुलेशन उसमें एरर बहुत कम हो रहे होते हैं वो, और सर ऑनलाइन इंटीग्रेट होते हैं, आप ऑनलाइन बैठ के डिस्टिंक्ट लोकेशन से उसको रिव्यू भी करवा सकते हैं। तो ये उसके फायदे हैं सर। अगर मैं मैनुअल वर्किंग पेपर की बात करूं तो सर मैनुअल वर्किंग पेपर भी उसके फॉर्म कंटेंट या मैंने आपको वर्किंग पेपर के फॉर्म गुड वर्किंग पेपर के फॉर्म कंटेंट मैंने आपको बता दिए थे, जिसके अंदर स्कोप मटेरियल मिशन स्टेटमेंट आ जाता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जिसके अंदर आप कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो आ जाता है, जिसके अंदर सर रिव्यूड बाय या कंप्लीटेड एंड डॉक्यूमेंटेड डेट आ जाती है, प्रिपेयर्ड बाय जो मैंने आपको दिखाया था कल वर्किंग पेपर बना के, उसके बाद सर जिसके अंदर कंक्लूजन आ जाती है वर्किंग पेपर में कि आपका कंक्लूजन क्या है सर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन ऑडिटर को क्या करना होता है सर, फाइल्स बनानी होती हैं ऑडिटर को, ये जो वर्किंग पेपर होते हैं इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना होता है, एक जगह पे फाइल बनानी होती है। जैसे कि अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, लेट सपोज एक कंपनी है उसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ सर, लेट सपोज शील्ड लिमिटेड एक कंपनी है और इसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो सर इसके ऑडिट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सर एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, मैं सर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, तो उसके लिए वर्क पेपर बनाऊंगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। तो सर अब ये मैं जो चीजें ये करूंगा, तो इन ये जो ऑप्टेंट करूंगा, ये जो वर्किंग पेपर बनाऊंगा, इन सबको मुझे एक चीज पे मेंटेन तो करना होगा ना, वो सर किस चीज में मुझे मेंटेन करना होगा सर, उन इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी ऑडिट फाइल, मुझे बनानी पड़ेगी सर ऑडिट फाइल। सर ऑडिट फाइल क्या होती है बेटा, ऑडिट फाइल जो होती है सर, ऑडिट फाइल जो होती है एक फोल्डर होता है। जैसे अगर आप मैनुअल वर्किंग पेपर बना रहे हो तो सर ऑडिट फाइल बनती है बॉक्स फाइल, बॉक्स फाइल देखी होगी ना सर, फोल्डर बोलो या बॉक्स फाइल बोलो, ठीक है ना। अगर फोल्डर के ही हम इस तरीके से कर लेते हैं, हार्ड के अंदर मैं वर्किंग पेपर बना रहा हूँ, कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक नहीं यूज कर रहा, कंप्यूटर वर्किंग पेपर यूज नहीं कर रहा, तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगी हार्ड फाइल। हार्ड फाइल जो होती है, जो कि सर बॉक्स फाइल आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ सर, बॉक्स फाइल होती है बड़ी वाली फाइल होती है, जिसमें मैं सर सारे एविडेंस फोटोकॉपी करवा के या हार्ड में लेके इसके अंदर लगा लेता हूँ सर, और इसको मेंटेन करता हूँ कि कौन कौन से मैंने वर्क पे प्रोसीजर परफॉर्म किए वो सब यहाँ आ जाते हैं। अगर मैं सर कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, एक्सेल पे बना रहा हूँ या वर्ड पे बना रहा हूँ, तो सर ये कौन से उसके लिए मुझे सर कंप्यूटर वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे ये सारी वर्किंग पेपर्स एक 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 फोल्डर के अंदर जमा करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सर और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ये मैंने कौन से ईयर एंड का ऑडिट किया और उसके अंदर मैंने ये फाइल मेंटेन की। अब बात ये है कि ऑडिट फाइल तो आप समझ गए सर, ऑडिट फाइल मतलब एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर सारे एविडेंसेस और सारे जो भी मैंने वर्किंग की है, जो भी मैंने वर्किंग की है वो सर इस फोल्डर के अंदर मैं जमा कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, इस फोल्डर के अंदर मैं जमा कर रहा होता हूँ। अब बात ये है सर, बात ये है
ऑडिट फाइल के दो टाइप्स होते हैं, ऑडिट फाइल के दो टाइप्स होते हैं, ऑडिट फाइल दो तरीकों की होती है, दो फोल्डर होते हैं सर। एक फाइल होती है सर करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल, करंट ईयर फाइल। दूसरी फाइल होती है सर परमानेंट फाइल। करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल बोलो या करंट ईयर फाइल बोलो, एक ही बात है। एक फाइल होती है सर परमानेंट फाइल। सर ये करंट ईयर फाइल और परमानेंट फाइल में क्या फर्क है? पहले सर मैं आपको एक बात परमानेंट फाइल बता दूं। सर परमानेंट फाइल एक वो फाइल होती है जो कि हार्ड में ले लो, हार्ड के अंदर बनती है, या भले सॉफ्ट में बना लो, एक ही बात होती है, जिसके अंदर में वो वर्क पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स लगा रहा होता हूँ, जिसके अंदर में वो वर्क पेपर्स या वो डॉक्यूमेंट्स लगा रहा होता हूँ जिनकी जिनकी सर रिलेवेंस, जिनकी रिलेवेंस, जिनकी अहमियत, जिनकी इम्पोर्टेंस सर, जो मुझे एक साल से ज्यादा काम आएंगे, एक साल से ज्यादा काम आएंगे, जो मुझे हमेशा काम आ सकते हैं सर। जैसे कि एग्जांपल दें, लेट सपोज सर अगर मैं एक कंपनी के मैं जैसे जाता हूँ ऑडिट करने, तो सर कंपनी को मैं कौन सी चीज सेंड करता हूँ? सर मैं कंपनी को सेंड करता हूँ एंगेजमेंट लेटर, मैं कंपनी को सेंड करता हूँ एंगेजमेंट लेटर। तो सर बेटा एंगेजमेंट लेटर क्या हर साल चेंज हो रहा होता है? नहीं सर, एंगेजमेंट लेटर हर साल चेंज नहीं हो रहा होता। हाँ तब चेंज हो सकता है जब सर कंपनी लॉ में चेंज आ गया, जैसे कंपनी ऑर्डिनेंस से सर कंपनीज एक्ट आ गया तो एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ा सर। अगर आयजा के अंदर कोई चेंज आ गया, अगर सामने वाली पार्टी की मेन मैनेजमेंट चेंज हो गई, CFO, सीनियर मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो गए तब, पर अगर सेम रहे तो सर हर साल एंगेजमेंट लेटर भी सेम रहेगा। याद रखो ये चीज बता दी थी मैंने। तो सर एंगेजमेंट लेटर एक ही दफा सेंड किया जाता है और वो हर साल के लिए काम आता है। एंगेजमेंट लेटर की अहमियत एक ऑडिट में नहीं होती, एक ईयर में नहीं होती, हर साल के लिए होती है। जैसे अगर मैं 2018 को ऑडिट किया मैंने, तो सर 2018 में मैंने एंगेजमेंट लेटर सेंड कर दिया था। अब ये अगर मैं 2019 में भी ऑडिट कर रहा हूँ उसी सेम कंपनी का शील्ड लिमिटेड का, तो ये एंगेजमेंट लेटर मुझे इसमें भी काम आएगा। 2020 में अगर ऑडिट कर रहा हूँ उसी सेम कंपनी का, तो ये 2020 में भी काम आएगा। कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, तो ये परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल का एंगेजमेंट लेटर मुझे हर साल वही रहेगा, सेम नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंज होता है एंगेजमेंट लेटर में, जो कि हम पढ़ के आए टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, तो सर उसके फिर ये हट जाता है, नया आ जाता है जो रिवाइज्ड वाला होता है। सर और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा रहते हैं? सर लॉन्ग टर्म लोन्स एग्रीमेंट। सर लॉन्ग टर्म लोन के जो एग्रीमेंट होते हैं सर, वो 5 साल 6 साल के एग्रीमेंट होते हैं, 3 साल के एग्रीमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन अगर कंपनी ने किसी बैंक से या किसी डोनर से, लेंडर से लोन लिया है, तो ये वो लोन है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि सर 1 साल से ज्यादा रहेगा। जैसे अगर 2018 में एक कंपनी ने, शील्ड लिमिटेड ने लोन लिया था 5 साल के लिए, तो सर उसका अगर मैं जाऊंगा क्लाइंट से एग्रीमेंट मांगने, तो सर वो मुझे देगा। अब ये एग्रीमेंट कितने साल के लिए वैलिड होगा? सर 5 साल के लिए। ये 2019 में मुझे दोबारा नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि सर मेरे पास ऑलरेडी है, परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल में लगा दिया है मैंने। जो चीज एक साल से ज्यादा रिलेवेंट हो सर, वो इसके अंदर आ रही होती है, इसके अंदर लगा लेता हूँ। अगर सर जैसे मैं कंपनी के पास जाता हूँ ऑडिट करने, अगर मेरा पहला साल है, जैसे 2018 मेरा पहला साल है, तो सर इसके अंदर मैं कौन सी चीजें सर बता रहा हूँ, ठीक है ना सर? अब बात यह है कि जैसे जैसे मैं कंपनी के पास जाता हूँ, अभी बता देता हूँ सर, लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट ऑडिटर क्यों रखेगा? बेटा देखो, अगर तुम लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट की फोटोकॉपी तुम लेके यहाँ पे रख लेते हो, ठीक है ना? देखो इस वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास ये एविडेंस तो होगा ना, लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट देख के ही तुम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे ना, कि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन है, क्या वो कंपनी ने मेंटेन की है कि नहीं। जैसे कल देखी हमने डेट कोवेनेंट कंडीशन जो थी क्वालिटेटिव मटेरियलिटी के अंदर, के कंपनी को एसेट का जो रेशो है लायबिलिटी से 4 गुना मेंटेन करना है, 4 times ज्यादा मेंटेन करना है, या कंपनी ने जो लोन दिया है वो लोन लिया है इतनी इतनी प्रिंसिपल रीपेमेंट उनको करनी है इतने इतने टाइम पीरियड में, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक हो रहा होता है, वो सर वो तुम कहाँ से लाओगे?
वो तुम इसी लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट से ही लोगे ना, तो तुम इसकी फोटोकॉपी लेके रख लेते हो अपने पास। जैसे 2019 में तुम जाओ तो तुम्हें दोबारा नहीं मांगनी पड़े, वो इधर ही ऑलरेडी पड़ी हो। अगर चेंज आ जाती है लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट रिवाइज हो जाता है, तो सर तुम दोबारा मांग लेते हो। सही है, क्लियर है? ठीक है। अब बात यह है कि सर दूसरी कौन सी, अब जैसे अगर मैं जा रहा हूँ क्लाइंट के पास तो ऑडिट करने पहली दफा, तो मैं उससे पूछता हूँ आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल तो चेंज नहीं होती, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंपनी अपनी हर साल चेंज करती रहेगी? नहीं सर, वो सेम ही रहती है नॉर्मली। कभी कभी अगर चेंज हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में वो सेम ही रहती है। तो कंपनी की कोई जो अकाउंटिंग पॉलिसी है या जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। सर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? सर दूसरी चीज़ कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अब क्या कंपनी का जो प्रोसेस है कि सेल किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, परचेजेस किस तरीके से होती है, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो क्या सर चेंज होते रहेंगे हर साल? क्या वो प्रोसेस अपना चेंज करते रहेंगे? नहीं सर, नहीं करते रहेंगे। जिस तरीके से कंपनी की सेल होती है, जो कंपनी का प्रोसेस है, वो सर हर साल सेम ही रहेगा। उनका जो प्रोसेस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, तो वो चीज़ें जो हर साल काम आती रहें वो परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल में रहती हैं। दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़ क्या सर, हम क्या करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका हम ऑडिट करते जाते हैं वो इसमें हम लगाते जाते हैं। तो हम यहाँ पे मैं इसको ये नाम दे देता हूँ, प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जिन जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट करते जाते हैं या जिनका हमने नहीं किया, हमसे पहले वाली कंपनी ने किया, वो भी हम इसके अंदर लगाते जाते हैं। ठीक है ना? ये सर क्यों लगाते हैं? सर कंपेरेटिव की वजह से, या अगर कोई IAS 8 का चेंज आ जाता है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पेक्ट होता है। जैसे कि वैसे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव ईयर एक आ रहा होता है, पर अगर IAS 8 आ जा की वजह से चेंज आ जाता है तो सर कंपेरेटिव फिर 3 साल के शो, 2 साल के शो हो रहे होते हैं, एक करंट ईयर। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि सर 2018 का आप ऑडिट कर रहे हैं तो 2017 साथ में नजर आता है, पर अगर एक ऐसा एरर था जो कि 2017 में गलती हुई थी, हम अभी ऑडिट कर रहे हैं इसका ऑडिट करते हुए हमें ये पता लगा कि भाईजान 2017 में ये गलती हुई थी, तो अगर इस गलती को ठीक करने जाएंगे तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा 2016 से। सही है ना? तो फिर 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास क्या होने चाहिए? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो वो भी हम लगा लेते हैं। दूसरी चीज सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये सेम ही रहते हैं। हाँ अगर कोई इनके अंदर अल्ट्रेशन आ गई, चेंज आ गई, तो मैं रिवाइज वाले ले लेता हूँ सर। उसके अलावा कंपनी का जो ऑर्गेनोग्राम होता है, ऑर्गेनोग्राम पता है ना क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर, ऑर्गेनोग्राम पता है ना क्या होता है? सर ऑर्गेनोग्राम मतलब हेरार्की, हेरार्की के भाईजान देखो ऑर्गेनोग्राम क्या होता है। ऑर्गेनोग्राम ये होता है, अभी बता देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। देखो सबसे पहले कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन होते हैं भाईजान? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर इसके नीचे कौन होता है? सर इसके नीचे होता है डिपार्टमेंट्स। सर ये डिपार्टमेंट कौन सा? फाइनेंस। सर ये डिपार्टमेंट कौन सा? सर परचेजेस। सर ये कौन सा? सर मैन्युफैक्चरिंग। सही है। सर ये कौन सा? ये सपोज करो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन डिपार्टमेंट। ठीक है। अब इसका हेड कौन? इसका हेड कौन सर? इसका हेड CFO। इसका हेड कौन? इसका भी कोई हेड होगा। और इसके अंदर फिर सीनियर मैनेजर, इसके अंदर सीनियर मैनेजर फाइनेंस, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सर
ट्रेनी सब कुछ, इसके अंदर भी इसी तरीके से, इसके अंदर भी इसी तरीके से, इसके अंदर भी इसी तरीके से। तो सर बिल्कुल हायरार्की, बीएम वाली बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो आपने हायरार्की पढ़ी है ना, वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ, जो कि हर साल सेम रहता है, चेंज नहीं होता। फिर सर मैं करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल पे आ जाऊँ तो सर इसके अंदर मैं क्या लगा रहा होता हूँ? सर इसके अंदर मैं लगा रहा होता हूँ वो सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं 2018 का ऑडिट कर रहा हूँ तो 2018 के सारे एविडेंसेस मैं इसके अंदर लगाऊंगा, 2018 के सारे वर्किंग पेपर्स वो इसके अंदर लगाऊंगा। वर्किंग पेपर सर कौन से वाले वर्किंग पेपर्स? सर देखो मैंने अगर कैश एंड बैंक वेरीफाई किया होगा तो वो सारी चीजें इसके अंदर लगाऊंगा, किस कौन से प्रोसीजर मैंने परफॉर्म की है। सर 2000 कैश एंड बैंक के एविडेंसेस क्या होंगे? सर बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से, सर बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट, 2018 की ऑडिट रिपोर्ट, सर 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट ईयर मतलब इसको बोलूंगा मैं करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर उसके अलावा क्या, अगर मैं 2018 में, अगर मेरा पहला साल है ऑडिट का, नॉट दो करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल हर साल बन रही होती है, हर साल बन रही होती है, ठीक है। अगर सर मतलब जो चेंज होती हैं चीजें वो करंट में होती हैं, बिल्कुल जो चीजें चेंज होती हैं वो करंट में होती हैं, परमानेंट में भी हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे एंगेजमेंट लेटर में तब्दीली आई तो ये वाला उड़ा के मैं नया वाला लगा दूंगा, लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट में कोई रिवाइज्ड हो गया तो वो वाला उठा के यहाँ लगा दूंगा, अकाउंटिंग पॉलिसी कोई चेंज हो गई तो ये उठा के वहां लगा दूंगा, इंटरनल कंट्रोल। लेकिन नॉर्मली चीजें होती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन करंट ईयर फाइल के अंदर जो हर साल नहीं बन रही होती है, हर साल नहीं बनेगी ये, हर साल ये नहीं बनेगी, 2018 के लिए अलग बनेगी, 2019 के लिए अलग बनेगी, 20 के लिए अलग बनेगी। अब बात ये है सर, अब अगर मेरा 2018 पहला साल है तो जब भी मैं ऑडिट के लिए नया अपॉइंट होता हूँ तो मैं पुरानी वाली फर्म को क्या करता हूँ, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट याद है ना, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करता हूँ कि क्या तुम मुझे इजाजत देती हो कि मैं इस कंपनी का ऑडिट करूँ या ना करूँ। अगर तुमने कोई फर्स्ट ईयर ऑडिट किया है तो सर तुम प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भी लगा दोगे। सर एंगेजमेंट लेटर अगर पहला साल हो तो, देखो अगर पहला साल हो तो तुम परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल बनाओगे ना, पहले साल में तो तुम्हें परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल बनानी है ना, लेकिन उसके बाद तुम नहीं बनाते क्योंकि वही फाइल तुम्हारे काम आ रही होती है, ठीक है ना। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर तुम लगा रहे होते हो। उसके बाद सर इसमें करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल में और कौन सी चीजें लगा रहा होता हूँ? सर मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, एंड ऑडिट प्लान, मेरा ऑडिट प्लान क्या होगा, मैं कौन सी चीजें, नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कौन कौन से करूंगा। सर उसके अलावा अगर जिसने रिवाइज किया होगा तो उसको आ रहा होगा ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। सर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सर मैं जो प्लानिंग मटीरियलिटी या परफॉर्म मटीरियलिटी जो निकाल रहा होता हूँ, प्लानिंग मटीरियलिटी एंड परफॉर्म मटीरियलिटी, वो सर कहाँ पे लगा रहा होता हूँ? वो भी सर इसी के अंदर लगा रहा होता हूँ, क्योंकि हर साल रेवेन्यू चेंज होगा, हर साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज होगा, तो ये चेंज होती रहेगी, तो इसको इसी वजह से परमानेंट में नहीं लगाया जा रहा, करंट में लगाया जा रहा है। सर इसके अलावा हर साल मटीरियलिटी चेंज होती है जब भी यहाँ पे आ जाती है। सर इसके अलावा हर हेड पे कितना रिस्क है, हर हेड पे कितना रिस्क है, कौन सा हेड इनसिग्निफिकेंट है, मटेरियल इनसिग्निफिकेंट, कौन सा मटेरियल सिग्निफिकेंट है, कौन से हेड पे काम करना है, कौन से हेड पे काम नहीं करना, तो सर ये सब भी इसी के अंदर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर अगर कोई समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, वो मिस स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट थी, अनकरेक्ट थी सर, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जिसको मैंने आखिर में मटीरियलिटी से, प्लानिंग मटीरियलिटी से कंपेयर किया, वो सारी चीजें मैं यहाँ लगा रहा होता हूँ। उसके बाद सर आखिर में एक चीज, लीड शेड्यूल। सर ये लीड शेड्यूल क्या होता है?
सर हर हेड पे जो मैं काम कर रहा होता हूँ सर। हाँ एक और चीज भी लगा दूँ सर, ट्रायल बैलेंस, कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस, कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैं क्लाइंट से ट्रायल बैलेंस ले रहा होता हूँ तो वो भी इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस हर साल चेंज हो रहा होता है। अब देखो सुनो, इसके अंदर करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल के अंदर हर वो वर्किंग पेपर है जो के रिकरिंग है, जिसकी सिर्फ अहमियत 2018 तक है। इसके अंदर हर वो वर्किंग पेपर है जिसकी रिलेवेंसी हर साल काम आएगी, जिसकी रिलेवेंसी हर हर साल काम आएगी। इसके अंदर वो चीजें लगी हुई हैं जो हर साल काम नहीं आएंगी, एक ही साल काम आएंगी, ज्यादा से ज्यादा अगले साल। अब बात यह है कि ये जब मैं ऑडिट पे जा रहा होता हूँ, अगर मेरा पहला साल ऑडिट है 2018, अगर मेरा फर्स्ट ईयर है, तो इसके अंदर तो मैं कोई भी फाइल नहीं लेके जाता। इसके अंदर मैं जाके परमानेंट फाइल भी बना रहा होता हूँ, परमानेंट वर्क पेपर फाइल भी बना रहा होता हूँ। इसके अंदर जाके मैं करंट ईयर फाइल भी बना रहा होता हूँ। अब होता क्या है, अगर मैं 2019 में ऑडिट करने जाता हूँ, मैं 2019 में ऑडिट करने गया, अब होगा क्या सर, ये जो करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल है 2018 वाली, मैं ये भी लेके जाऊंगा अपनी रेफरेंस के लिए, प्लानिंग के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्यों लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा, और मैं ये भी लेके जाऊंगा सर। इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा मैं लास्ट ईयर फाइल, लास्ट ईयर फाइल 2018 वाली, ठीक है। और यहाँ पे सर मैं 2019 की करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल नहीं बनाऊंगा सर, उसी तरीके से, और परमानेंट सेम ही रहेगी। तो सर ये तीन फाइलें मैं साथ लेके जाता हूँ, जैसे मुझे सर चीजों की समझ आ जाए, ठीक है ना। अब एक और चीज मैंने ऊपर लिखी सर, लीड शेड्यूल। सर लीड शेड्यूल क्या होता है, जैसे बेटा तुमने अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वेरीफाई किया, या फिक्स एसेट तुमने वेरीफाई किया, फिक्स एसेट तुमने वेरीफाई किया, तो क्लाइंट ने तुम्हें एक फिगर दी होगी कि हमारे पास फिक्स एसेट इतने आ रहे हैं बैलेंस शीट में, जैसे कि 5 लाख के हमारे पास फिक्स एसेट आ रहे हैं। तो तुमने क्या किया होगा, इस 5 लाख को वेरीफाई करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर किए होंगे, डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन की होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस की सर रिकैलकुलेशन की होगी सर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का देखा होगा सर, उसके बाद आपने डिस्पोजल की वर्किंग चेक की होगी, गेन एंड लॉस कैलकुलेट किया होगा, अगर कोई एसेट परचेज हुआ है तो उसकी आपने वाउचर देखा होगा, अगर कोई एसेट सेल हुआ है तो उसका भी आपने सेल वाउचर देखा होगा। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। उसके बाद आपने या तो इसके अंदर गलती आपने तलाश की होगी, मिस स्टेटमेंट, ठीक है, या तो आपने गलती तलाश नहीं की होगी, ठीक है ना, या तो आपने इसी फिगर से एग्री किया होगा 5 लाख वाली से, या तो आपने गलती कोई तलाश की होगी। गलती तलाश करने के बाद आपने क्या कहा होगा, यार इसको ना ठीक कर लो। लेट सपोज मैनेजमेंट ने ठीक कर लिया, आपने कहा यार इसके अंदर ना 1 लाख से गलती है, ये 1 लाख से ओवर स्टेटेड है, मतलब आपने ज्यादा दिखाया हुआ है, तो इसकी एंट्री करके इसको कम कर दो, सही कर दो। तो ये कितनी बन जाती है सर, ये बन जाएगी 4 लाख। लेट सपोज मैनेजमेंट ने इसको करेक्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना रिपोर्ट होना चाहिए, इतना रिपोर्ट होना चाहिए या इतना रिपोर्ट होना चाहिए सर, इतना रिपोर्ट होना चाहिए, 4 लाख। अब देखो वो फिगर जो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट करने के बाद फाइनल बन जाती है, वो फिगर जो ऑडिट करने के बाद फाइनल बन जाती है, उस फिगर को मैं लेके आता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मैनेजमेंट को बोलता हूँ इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब शो करो। तो सर अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स एसेट कितने से शो हो रहा होगा सर, 4 लाख से। सर 4 लाख से शो हो रहा होगा। अब बात यह है कि ये 4 लाख से जो शो हो रहा होगा, अब इसको मैं क्रॉस रेफर कर दूंगा इससे इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहाँ से फिगर आई सर, इस वर्किंग पेपर से फिगर आई। तो सर इस वर्किंग पेपर को मैं बोल सकता हूँ लीड शेड्यूल। सर लीड शेड्यूल वो वर्क पेपर होता है जिसके अंदर ऑडिट करके जो फाइनल फिगर बन रही होती है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रही होती है सर, उस वर्क पेपर को बोला जाता है लीड शेड्यूल। लीड शेड्यूल ऐसा वर्क पेपर होता है जिसके अंदर फाइनल फिगर बनी हुई होती है, ऑडिट कर लेने के बाद, ऑडिट प्रोसीजर खत्म कर लेने के बाद जो कंक्लूडेड अमाउंट होती है, जो कि फाइनल अमाउंट होती है सर, वही वहाँ यहाँ से फाइनल होके सर ये यहाँ पे रिपोर्ट हुई। तो सर ये इससे क्रॉस मैच होती है, क्रॉस रेफर होती है सर, इस अमाउंट को
इस चीज को लीड शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब बात ये है कि जब ये दोनों फाइल्स बना लेता हूँ, जब ये मैं दोनों फाइल्स बना लेता हूँ सर, ऑडिट फाइल बना लेता हूँ, तो सर अब ये जो करंट ईयर वर्किंग पेपर जो परमानेंट फाइल है वो तो मेरी ता हयात रहेगी। ठीक है ना, अब बात ता हयात रहेगी। अब ये जो करंट ईयर फाइल है, जो सर ये करंट ईयर फाइल है, ये कितना टाइम रहनी चाहिए मेरे पास? अब सर होता क्या है, ये जो करंट ईयर फाइल है इसकी जो ऑनरशिप होती है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका मालिक कौन होता है करंट ईयर फाइल का? सर इसका ऑनर ऑडिट फर्म होती है, ऑडिटर होता है, ऑडिट फर्म होती है, ऑडिटर होता है। ऑडिटर को आयजा ने कहा कि इसका इसका ऑनर इन वर्किंग पेपर्स का, इन फोल्डर्स का ऑनर तू खुद है सर। अब बात ये है, रिपोर्ट से ज्यादा लिखना तो सर वर्किंग पेपर्स में पड़ता होगा ऑडिटर को, बिल्कुल ठीक है ना। अब बात ये है सर, ये तीन फाइलें कौन सी होंगी 2019 में? 2019 में बेटा एक तो लास्ट ईयर वर्किंग पेपर फाइल होंगी, ठीक है ना, लास्ट ईयर वर्किंग पेपर फाइल, और 2020। हाँ एक चीज और भी तुम्हें समझा दूं, देखो ये 2019 के अंदर मैं ये तीन फाइलें लेके गया ना, जिसमें तो एक तो ये लास्ट ईयर वर्किंग पेपर फाइल लेके गया, एक करंट ईयर की जो बनाऊंगा मैं, एक परमानेंट वाली। 2020 में कौन सी लेके जाऊंगा? 2020 में ये वाली नहीं लेके जाऊंगा, ये वाली नहीं लेके जाऊंगा, ये वाली लेके जाऊंगा। ये क्या बन जाएगी 2020 में? लास्ट ईयर वर्किंग पेपर फाइल, ठीक है, और ये वाली भी लेके जाऊंगा परमानेंट फाइल, और 2020 की अपनी बनाऊंगा करंट ईयर फाइल। सही है, ये क्यों लेके जाता हूँ, ये क्यों लेके जाता हूँ ये वाली फाइल? ये रेफरेंस के लिए यार, हो सकता है कोई सपोर्ट मिल जाए इसके अंदर से मुझे, ठीक है ना। अब बात ये है कि मेरे भाइयों, ये जो ऑडिट की जो फाइल है, जो ऑडिट फाइल हम बनाते हैं, परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल या करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल, सर ये जो होती है किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? सर ये प्रॉपर्टी होती है ऑडिट फर्म की, ऑडिट फर्म इसकी मालिक होती है, ऑडिट फर्म जिसको चाहे सर किसी को, ऑडिट फर्म क्या करती है, बिल्कुल करंट ईयर फाइल बनती है, लास्ट ईयर वर्किंग पेपर फाइल, ठीक है ना सर। ये ऑडिट फर्म क्या करती है सर, ऑडिट फर्म की ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी ऑनरशिप ऑडिट फर्म के पास होती है। अब मेरे भाइयों सीन ये है कि मैं एज ऑडिटर आयजा ने मुझे कहा कि तुम्हें इन सब डॉक्यूमेंट्स को, इन सारे डॉक्यूमेंट जो कि क्लाइंट गए, इन सबको तुम्हें कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, तुम ये कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ये तुम कॉन्फिडेंशियल रखोगे। हाँ, अगर तुम म्यूचुअली किसी से एग्री कर लो, म्यूचुअली किसी से एग्री कर लो, किससे एग्री कर लो, जिस कंपनी का मैंने ऑडिट किया, जैसे कि लेट सपोज मैंने ऑडिट किसका किया, शील्ड लिमिटेड का, शील्ड लिमिटेड का, अगर मेरी इनसे बात बन जाती है, अगर मेरी इनसे म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें मैं भी एग्री हो जाऊं और वो भी मेरे साथ एग्री हो जाए, तो सर इनको इनको फर्म दिखा सकती है, बाकी किसी को नहीं दिखाएगी सर। और किसको दिखा सकती है सर? और अगर लॉ ने कहा, और अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो उनको दिखाएगी, और अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है उनको दिखाएगी। जैसे कि सर लीगल रिक्वायरमेंट का मकसद सर, जैसे कि अगर इन पे कोई केस हो गया तो सर लॉ के हिसाब से, इस कंपनी कि अगर कोई केस हो गया तो लॉ के हिसाब से दिखाने पड़ेंगे वर्किंग पेपर्स। लेट सपोज सर, लेट सपोज आईकेप क्या करता है, आईकेप क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है, QCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है, तो आईकेप को दिखानी पड़ती हैं वर्किंग पेपर फाइल्स कि हमने आयदा के हिसाब से ऑडिट किया है या नहीं किया है। बिल्कुल, ये वही वर्क पेपर्स हैं जिनका हवाला कुछ लेक्चर्स पहले मैंने दे दिया था, ठीक है। अब बात यह है कि सर ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑडिट फर्म की होती है, और हमें ये कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, ठीक है। दूसरी बात ये, हमें किसी को नहीं दिखानी होती। हाँ अगर लीगल रिक्वायरमेंट कोई आ जाए तब हम दिखा सकते हैं, आईकेप की अगर QCR होती है तब हम दिखा सकते हैं। हाँ अगर मेरा इस जिस कंपनी का, और कोई कंपनी नहीं, जिस कंपनी से मेरा ऑडिट हुआ, जिस कंपनी का मैंने ऑडिट किया, अगर उनसे मेरी एग्रीमेंट हो जाता है, बात बन जाती है, तो सर उनको मैं दिखा सकता हूँ। पर अगर मैं उनको भी नहीं दिखाना चाहूँ तो मेरी मर्जी, मैं उनको नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, कि भाई मैंने क्या काम किया, क्यों किया, मेरी मर्जी, मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो सर
बिल्कुल, ऑडिट फर्म के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को ना दिखाए, कोई इसको कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना सर। अब बात ये है, कि ये जो वर्क पेपर फाइल है, जैसे ऑडिट खत्म होता है, जैसे कि ये करंट ईयर वर्क पेपर फाइल है, करंट ईयर वर्क पेपर फाइल परमानेंट तो हमेशा रहेगी। करंट ईयर वर्क पेपर फाइल जो होती है, करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल जो होती है सर, लेट सपोज 2018 का मैंने ऑडिट किया और इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, वो कोई है सर, अल्लाह आपका भला करे, 1 अप्रैल सर, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 इसकी क्या है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। 2018 का हमने ऑडिट किया, 2018 का ईयर एंड क्या था, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2018 इसका ईयर एंड था। हमने इसका ऑडिट करके हमने इसको ऑडिट रिपोर्ट दे दी, कब कब दे दी सर, 1 अप्रैल 2019 को। ऑडिट रिपोर्ट डेट ये, ऑडिट रिपोर्ट में डेट ये आ रही है, ठीक है ना। अब सीन ये है मेरे भाइयों, अब सर बात ये है कि अगर मैं, अब होता क्या है, जैसे मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब लॉ कहता है, आयजा कहता है कि अब तुम क्या करो, अब तुम्हारे पास हर ऑडिट फर्म के पास 60 दिन है, 60 डेज है, ये जो तुमने ऑडिट किया इसकी तुमने बनाई होगी फाइल, करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल, ठीक है ना। अब इस करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल को तुम क्या करो, असेंबल करो। असेंबल करो मतलब सही फॉर्म में लेके आओ, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, कब से लेके, कब से, विद इन 60 डेज कब से सर, ऑडिट रिपोर्ट से, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से तुम क्या करो, विद इन 60 डेज करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल को असेंबल करो। सर असेंबल से क्या मुराद सर, आपका इस बात को समझ में नहीं आई सर। बात यह है, देखो तुम जब ऑडिट करते हो तो तुम सारी चीजें, कोई एविडेंस होता है जो कि इरिलेवेंट होता है, तुम वो भी लेके अपने पास रख लेते हो उस वक्त जल्दी जल्दी में। कुछ ऐसे रिलेवेंट एविडेंस होते हैं, कुछ इरिलेवेंट होते हैं, तो वो भी मैं अपने पास रख लेता हूँ कि यार हो सकता है बाद में काम आ जाए। तो जो कोई इरिलेवेंट एविडेंस है सर, उसको तुम क्या करोगे, अब ये मैं असेंबल बता रहा हूँ, असेंबल किस तरीके से होती है, उसको तुम क्या करोगे, उसको सर उसको डिलीट कर दो, उसको फाड़ दो, जो इरिलेवेंट एविडेंस है जो कि किसी काम का नहीं है। दूसरी बात सर, वर्क पेपर को क्रॉस रेफर कर लो। क्रॉस रेफर किस तरीके से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर्स आ रही है ना, उनको क्रॉस रेफर कर लो, किससे, वर्क पेपर से। सर इसका क्या मकसद, क्रॉस रेफर कर लो बेटा, अभी बताता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो अभी कैसे बताता हूँ सर, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट साइड पे आ रहा है फिक्स एसेट, इसका अमाउंट आ रहा है 5 लाख, कैश एट बैंक आ रहा है, इसका अमाउंट आ रहा है कोई 1.5 लाख, रेवेन्यू आ रहा है, इसका अमाउंट आ रहा है कोई 4 लाख। अब बात ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आ रहे हैं ना, अब इसके अगेंस्ट मैंने कहाँ पे काम किया है, कौन से वर्क पेपर में काम किया है। लेट सपोज इसके अगेंस्ट मैंने वर्क पेपर में काम किया है, तो सर अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ ना, तो एक्सेल के अंदर क्रॉस रेफरिंग आती है, क्रॉस रेफरिंग। मैं इसके सामने यहाँ पे एक ऐसा सैंपल क्रॉस रेफरिंग कर लूंगा, जैसे अगर कोई भी देखना चाहेगा कि इस 5 लाख को मैंने कहाँ वेरीफाई किया, तो सर यहाँ पे डबल क्लिक करेगा तो एक्सेल की या वर्ड की या जहाँ पे मैंने काम किया है वो वर्क पेपर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और उसमें पता चल जाएगा कि इसका काम, इसके अगेंस्ट काम इस वर्क पेपर में हुआ हुआ है। तो ये सर क्या हुआ, क्रॉस रेफर कर लिया कि भाई इसके अगेंस्ट काम या इस वर्क पेपर में हुआ हुआ है, और सर इस वर्क पेपर को मैं इससे क्रॉस रेफर कर लेता हूँ। लेकिन सर अगर मैनुअल हो तो मैनुअल में किस तरीके से होगा, तो बेटा ये होता है कि इस वर्क पेपर को मैं नंबर दे देता हूँ, लेट सपोज 26,000, तो मैं इसके सामने लिख लेता हूँ कि भाई इसके अगेंस्ट जो काम हुआ है ना वो 26,000 वर्क पेपर में हुआ है, तो तुम जाके वहां जाके देख लो, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट जो काम हुआ है वो कोई हुआ है 28,000 में,
तो सर या 28,000 में या 11 लिख दो, 12 लिख दो, वर्क पेपर नंबर इस तरीके से, या एक्सेल होता है तो डायरेक्ट क्रॉस रेफर कर लेता हूँ, और यहाँ डबल क्लिक दबाओ तो एक्सेल की वो वाली फाइल खुल जाती है जिसके अंदर सर जो है ना आप डायरेक्ट उसके अंदर चले जाते हैं। अब इसी तरीके रेवेन्यू वाला भी सीन है, तो क्रॉस रेफर कर लो वो चीजें कि तुमने कहाँ पे काम किया या कहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें। दूसरी चीज सर, अब होता ये है कि एक होती है चेक लिस्ट के वर्क पेपर में कौन कौन सी फाइलें लगानी चाहिए, ठीक है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए आयजा के हिसाब से। सर उस तुमने जो आयजा के हिसाब से ऑडिट किया वो भी चेक लिस्ट फिर करके, चेक लिस्ट मतलब सर एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही होती है, उसके सामने ऐसे टिक बॉक्स होता है कि भाई ये चीज मैंने कर ली, ये चीज मैंने कर ली, वो भी फिल करके वो भी इस ऑडिट फाइल के अंदर लगा दो। सर उसके बाद क्या होता है, सर उसके बाद ये होता है, सर उसके बाद ये होता है कि तुम एक और डॉक्यूमेंट लगा दो जिसके अंदर लिख दो कि ऑडिटर ने सारे एविडेंस ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले ले लिए, हर ऑडिट रिपोर्ट, हर वर्किंग पेपर को साइन ऑफ करो। जैसे नहीं कल मैंने साइन ऑफ का आपको दिखाया, साइन ऑफ प्रिपेयर्ड बाय जैसे अंदर मैंने आपको दिखाया एच के किया, हर वर्किंग पेपर रिव्यूड बाय होना चाहिए, रिव्यूड बाय के इनिशियल भी होने चाहिए जैसे कल मैंने दिखाया था। सर इसको इस तरीके से लिखने को क्या बोलते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में, इनिशियल्स, इनिशियल कर लो, ठीक है ना। सर चेक लिस्ट ये चीज होती है बेटा के भाई देखो आयजा की रिक्वायरमेंट आ रही होती है, आयजा की रिक्वायरमेंट आ रही होती है, क्या तुमने प्लानिंग मटेरियलिटी वाली चीजें लगाई, क्या तुमने प्लानिंग मटेरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन लगाई, तो इस तरीके से चेक लिस्ट। प्लानिंग मटेरियलिटी लगाई तुमने, परफॉर्म मटेरियलिटी लगाई तुमने, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी लगाई तुमने, ऑडिट रिस्क का डॉक्यूमेंट लगाया, ठीक है ना। ये यहाँ पे होता है, हाँ लगाया, नहीं नहीं लगाया, हाँ लगाया, तो इस तरीके से ये चेक लिस्ट फिल करके लगा दो। तो सर ये इस तरीके से ना मुझे इस तरीके से ना असेंबली करनी होती है। कितने दिन में करनी होती है सर, ऑडिट रिपोर्ट डेट के 60 डेज के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट डेट से लेके 60 डेज के अंदर ऑडिट फाइल को एक सही हाल में प्रॉपर करके मुझे बनाना होता है। सर बना के फिर क्या होगा, सर बना के आपने इसको रख देना है, आपने इसको रख देना है, कितने टाइम के लिए रख देना है सर, सर आपने इसको रिटेन करना है, सर आपने इसको रिटेन करना है, कितने टाइम के लिए रिटेन करना है सर, 5 साल, 5 साल, 5 साल इसको आपने संभाल के रखना है। 2018 की फाइल कितने टाइम के लिए रिटेन होगी सर, 23 ईयर्स, 2023 तक, 2023 तक सर ये रिटेन हो रही होगी। अब सीन ये है सर, अगर मैं इससे ज्यादा रखना चाहूँ तो बेटा, अगर तुम ज्यादा रखना चाहो तो रख सकते हो, तुम 2025 तक भी रख सकते हो, तुम 24 तक भी रख सकते हो, लेकिन तुम्हें मिनिमम मिनिमम 5 साल रखना है, मिनिमम 5 साल रखना है, मिनिमम रिटेन तुम्हें 5 साल करना ही करना है, ठीक है ना। तो सर ये हिसाब होता है, 5 साल तुम्हें कम से कम रिटेन करने। लेकिन सर अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या होगा बेटा, फिर ये होता है कि इन वर्क पेपर्स को जला दिया जाता है, इन वर्क पेपर्स को पानी में डाल दिया जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियली इस तरीके से जैसे कोई और कोई ना देख सके, इन इस वर्किंग पेपर फाइल को पानी में जला दिया जाता है। लेकिन सर 5 साल रखने का फायदा क्या है, बस ऑडिट हो गया फेंक दो। सर 5 साल के अंदर टैक्स के जैसे रिकॉर्ड, टैक्स असेसमेंट तुमने रिकॉर्ड देखे होंगे ना, कि तुमने K6 देखा होगा जिसके अंदर असेसमेंट रिकॉर्ड होते हैं, तो टैक्स कमिश्नर जो होता है 5 5 साल के रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है। अगर किसी कंपनी पे केस हो गया तो ऑडिट रिपोर्ट 5 साल तक की निकाली जा सकती है ना, तो सर ये 5 साल की चीजें पड़ी होंगी तो जब ही तो हम दिखा पाएंगे ना, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है सर, अब होता क्या है सर, हाँ अगर कंपनी का मैंने पहले साल ऑडिट किया तो सर उसके बाद किसी दूसरी कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपॉइंट कर लिया, जैसे कि हमारी फर्म का नाम क्या है, एबीसी फर्म, सर एबीसी फर्म है, हमारा क्लाइंट कौन है, शील्ड,
शील्ड लिमिटेड सर 2018 में इसने हमसे ऑडिट करवाया, हमने करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल बनाई होगी, हमने परमानेंट भी बनाई होगी। सर 2019 में ना इसने हमें अपॉइंट नहीं किया, किसी और फॉर्म को किया सर, जेवी फॉर्म को किया। अब क्या, अब इसके अंदर जो मैंने करंट ईयर वर्किंग पेपर फाइल बनाई होगी उसको मैं कितने टाइम के लिए रखूंगा? फिर भी मैं 5 साल के लिए ही रखूंगा, फिर भी मैं 5 साल के लिए ही रखूंगा, 5 साल में रिटेन करूंगा इस वर्क पेपर फाइल को जो कि 2018 में बनाई है, और इसको फिर क्या करूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा। बात समझ में आई सर? परमानेंट फाइल कितनी टाइम के लिए रहेगी बेटा? वो पूरी जिंदगी रहेगी। तो सर ये पीसीएल के रेस्पॉन्स में प्रोवाइड करेंगे, पीसीएल बोले तो? पीसीएल से समझा नहीं मैं बात। प्रोफेशनल क्लियरेंस है, प्रोफेशनल क्लियरेंस में क्यों मैं ये प्रोवाइड करूंगा? प्रोफेशनल क्लियरेंस में क्यों प्रोवाइड करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा प्रोफेशनल क्लियरेंस में। पीएसएल होता है बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग। अब बात यह है कि सर ये फाइल एक असेंबल हो गई, 60 दिन के अंदर असेंबल कर दी मैंने, ऑडिट रिपोर्ट डेट से 60 डेज के अंदर ये फाइल 60 डेज के अंदर ये फाइल असेंबल हो गई। ठीक है, अब सर बात ये है कि मैं क्या इस फाइल के असेंबल के बाद अगर मुझे कोई चेंजिंग करनी पड़े, कोई मुझे चेंजिंग करनी पड़े जो मुझसे चेंजिंग रह गई हो, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? या कोई चीज मुझे डिलीट करनी हो कि यार ये वर्क पेपर मैंने गलत लगा दिया है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बेटा तुम डिलीट कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी वर्किंग पेपर तुम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ तुम मॉडिफाई जरूर कर सकते हो, तुम मॉडिफाई जरूर कर सकते हो, तुम न्यू न्यू वर्क पेपर जरूर लगा सकते हो, न्यू वर्क पेपर एडिशन जरूर कर सकते हो, एडिशन जरूर कर सकते हो, पर अगर तुम ये दोनों चीजें करोगे तो तुम्हें ये रीजन बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या ऐसी नौबत आ गई कि ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद तुम्हें 60 दिन जब दिए गए थे असेंबल करने के लिए, तुमने तब ये नहीं लगाया, तब तुम्हें याद नहीं आया, लेकिन अब तुम असेंबली के बाद तुम्हें याद आया कि यार मुझे इस वर्क पेपर को उड़ा देना चाहिए, तो तुम उसको उड़ा तो कभी नहीं सकते। हाँ इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, कि आई के आएगा आप देखने, अब इस वजह से मैं चेंज कर लूँ, न्यू वर्क पेपर एडिशन कर सकते हो। अब बात यह है कि अगर तुम न्यू वर्क पेपर एडिशन कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो तो तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा कि मैंने क्यों ये मॉडिफाई किया। और सर जो भी बंदा मॉडिफाई करेगा, न्यू वर्क पेपर लगाएगा, तो सर वो क्या करेगा सर, वो इसकी ना उसके ऊपर प्रिपेयर ऑफ के साइन, अपना नाम लिखेगा, प्रिपेयर के साइन ऑफ करेगा। साइन ऑफ मतलब कि भाई मैंने मैंने ये किया मैंने, और जो रिव्यू करेगा, जो चेक करेगा, जैसे अगर सीनियर ने किया तो वो अपने प्रिपेयर के साइन ऑफ लगाएगा, मैनेजर ने या पार्टनर ने रिव्यू किया तो वो अपने साइन ऑफ लगाएगा और वहां पे रख देगा, ठीक है ना। तो सर ये सीन है, 60 डेज के अंदर कर सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाएं सर हैंडआउट पे आ जाएं मेरे भाइयों, चैप्टर हो गया आपका खत्म सर, आ जाएं। ऑनरशिप कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिटेंशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं सर इसको। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल 5 साल के बाद कोई भी नहीं मांग सकती, क्योंकि 5 साल के बाद तो आप इसको जला देंगे ना, आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो चीजें रहेंगी ही नहीं, तो सर आप कहाँ दिखा सकते हैं। हाँ अब देखो 5 साल तो किसकी रिक्वायरमेंट है, आयजा की, कंपनी लॉ की भी इस वक्त 5 साल ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कंपनी लॉ की भी 5 साल ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मेरी फर्म ने कोई रिक्वायरमेंट लगा दी है कि यार हम 7 साल मेंटेन करेंगे, तो सर आप 7 साल अगर खुद से मेंटेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आयजा की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 साल, कंपनी लॉ कह रहा है यार हम 7 साल 8 साल मेंटेन करो, या लोकल लॉ कहता है 8 साल मेंटेन करो, तो फर्म को फिर 8 साल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस जो टाइम पीरियड दिया गया है मेंटेन करने का, उस टाइम पीरियड में अगर कोई भी मांगता है तो हमें देना पड़ेगा। कौन मांगेगा तो देना पड़ेगा, लीगल रिक्वायरमेंट
लीगल लॉ वाले या सर आईकेप, ठीक है ना, बाकी मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। पर अगर जिस कंपनी का मैंने ऑडिट किया अगर वो मुझे रिक्वेस्ट करती है, तो अगर मेरा दिल कहेगा तो मैं उसको दिखाऊंगा, अगर मेरा दिल कहेगा तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगा, मैं उनको बोलूंगा भाई नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाओ रीड कर लेते हैं, ऑनरशिप कॉन्फिडेंशियलिटी रिटेंशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑफ ऑडिटर, हाउएवर ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, जहां प्रॉब्लम हो बता देना। ईच फर्म शुड एस्टेब्लिश इट्स ओन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हाउएवर मिनिमम पीरियड फॉर रिटेंशन इज एटलीस्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट व्हिच एवर्स इज लेटर। ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मतलब एक कंपनी का अगर दो फर्म साथ ऑडिट कर रही हो, दो फर्म साथ ऑडिट कर रही हो, तो सर वो ग्रुप ऑडिट बन जाता है, ठीक है ना। ऑडिट फाइल एंड इट्स टाइप, सर ऐसा क्या हो सकता है दो फर्म साथ ऑडिट करें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर एक जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट जो है वो डिलॉयट भी करती है और जीटी भी करती है, ग्रैंड थ्रॉटन, तो दोनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट देती हैं। डिलॉयट अलग ऑडिट रिपोर्ट देती है उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, सर ग्रैंड थ्रॉटन उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अलग रिपोर्ट देती है, और एक ऐसी रिपोर्ट बनती है जो कि दोनों मिलके दे रही होती है। तो जो दोनों मिलके दे रही होती है एक ऐसी रिपोर्ट, सर उसको बोला जाता है ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, जो कि इन दोनों ने मिलके दी। सर दूसरी चीज ये भी हो सकती है ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, पता है क्या, ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस तरीके से ये भी हो सकती है, समझा दूं, जैसे कि सर ए कंपनी बी सी, सर ए बी सी, सर ए द सब्सिडरी, ए इज द होल्डिंग कंपनी, बी द सब्सिडरी, और सर ए इसकी भी होल्डिंग है और ये ए की सब्सिडरी है, समझ गए ना बात। सर ए जो है इसको भी होल्ड कर रही है, ए इसको भी होल्ड कर रही है, तो ए क्या करती होगी, ए करती होगी कंसोलिडेशन, ये क्या करती होगी कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन यही होते हैं ना भाई, होल्डिंग को अकाउंट्स बनाने होते हैं सब्सिडरी के, सही है ना। तो पहली बात तो ए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती होगी, ए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती होगी, सर ए को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इनका ऑडिट करवाना पड़ता होगा, इनका भी ऑडिट करवाना होगा अपना। सर सर ए को दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे भी बनाने पड़ते होंगे जिसके अंदर सी का और बी का इफेक्ट तीनों का मिला के ए को दिखाना पड़ता होगा कंसोलिडेशन। तो सर ए को, ए की जिम्मेदारी है होल्डिंग कंपनी के इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट करवाए। तो सर ये जो ए बी सी है ये तीनों मिलके क्या है, सर ये तीनों मिलके एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो सर इन दोनों का ऑडिट, इन दोनों के में से जो लेट होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट देंगे। सर करंट ईयर फाइल क्या होती है, सर दिस फाइल कंटेन डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू करंट ऑडिट ओनली, जो करंट ऑडिट के लिए रिलेवेंट है, प्राइमरली इट कंटेन द एविडेंस ऑन विच कंक्लूजन ऑफ द करंट ऑडिट इज बेस्ड। सर ये वही चीजें हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन करंट फाइल, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसिंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एट अजर्शन लेवल, ऑडिट प्लानिंग मटेरियलिटी दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान, वर्क पेपर शोइंग द प्रोसीजर्स परफॉर्म फॉर ईच ऑडिट एरिया इंक्लूडिंग लीड शेड्यूल, एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स कम्युनिकेशन विद डिफरेंट पार्टीज, एग्जाम्पल प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, कंफर्मेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, ऑडिट रिपोर्ट, लेटर ऑफ वीकनेस, मैनेजमेंट लेटर, ठीक है, मैनेजमेंट लेटर भी आप इसी के अंदर लगाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कॉपीज ऑफ क्लाइंट डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस, करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्रीमेंट्स जैसे कि सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट अगर आपने किसी पार्टी से किया हुआ है, समरी ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स। लीड शेड्यूल क्या होता है, लीड शेड्यूल इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच शो द फाइनल फिगर्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंक्लूजन ऑफ ऑडिटर ऑन एरिया एंड क्रॉस रेफरेंस टू द रिलेवेंट वर्किंग पेपर्स। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं सर, करंट परमानेंट फाइल, द फाइल contains documents of continuous relevance that are relevant to the current year as well as future audits. Examples of documentation in permanent file, engagement letter, long-term loan agreements, documentation of accounting, internal control system, minutes of meeting of shareholders and directors. Directors की जो आपस में मीटिंग हुई या shareholders की उसके जो minutes होते हैं वो भी इसी के अंदर लगाए जाते हैं।
प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ लीगल एंड टैक्स स्टेटस ऑफ क्लाइंट। अगर कोई लॉ की तरफ से कंपनी के ऊपर केस चल रहा है या टैक्स का कोई केस चल रहा है, तो जो केसेस होते हैं वो एक साल में तो हल हो नहीं रहे होते, तो वो भी इसी के अंदर हम लगा देते हैं। क्योंकि सर क्यों लगाते हैं, क्योंकि सर ये हर साल कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट के डिस्क्लोजर में शो हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चार्ट वो भी इसके अंदर लगा जाते हैं। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे आता हूँ सर, चेंज इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। सर मैं क्या करता हूँ, असेंबली करता हूँ। चेंजेस ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड, जब मैं असेंबली करता हूँ तो क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चेंजेस कैन बी मेड ड्यूरिंग द फाइल असेंबली पीरियड, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स, साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबली प्रोसेस, डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंट डेट द ऑडिट रिपोर्ट हैज ऑब्टेन्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर ऑब्टेन्ड बिफोर द डेट ऑफ, सारे एविडेंस जो है ऑडिट रिपोर्ट से पहले हमने ले लिए। टाइम पीरियड फॉर असेंबली ऑडिट फाइनल ऑडिट फाइल, सर कितना टाइम पीरियड है मैक्सिमम ऑडिट फाइल को असेंबली करने के लिए। सर आईजास रिक्वायर फॉर्म टू एस्टेब्लिश देयर ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑडिट फाइल। आईजा कहता है कि हर फॉर्म अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बना ले कि भाई कितने फॉर्म कितने टाइम पीरियड में तुम्हें ये कंप्लीट करना है। जैसे कि डेलॉयट के अंदर 58 डेज के अंदर आपने क्या करना होता है, फाइल की असेंबली करनी होती है। However, an appropriate time limit is within 60 days from the date of audit report. बात ये है कि सर अब मैं क्या असेंबली हो गई, अब सर क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। After the assembly of final audit file has been completed, जब असेंबली हो गई उसके बाद क्या तुम कोई चेंज कर सकते हो। The auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of a retention period. जब तक retention period नहीं आ जाता तब तक तुम असेंबली के बाद कोई भी चीज डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करोगे फाइल के अंदर से। However, auditor may modify the existing document. हाँ, तुम उसी existing document को changes कर सकते हो या उसके अंदर कोई नया डाल सकते हो, add new document after file assembly period if it is necessary. अगर जरूरी है as a result of quality control review, अगर IKF कहता है। In this case, auditor shall document following. तुम्हें ये document करना पड़ेगा कि specific reason for making change, तुमने क्यों change की, when and by whom changes were made and reviewed. ये किसने चेंजेस करवाई और सर जिसने की उसका नाम आएगा और जिसने रिव्यू किया वो नाम आएगा। ये टॉपिक फिलहाल छुड़वा रहा हूँ इस एक्सेप्शनल वाला, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस टॉपिक को हम नहीं कवर कर सकते। ठीक है ना, अब सर आगे आते हैं। सर ऑनरशिप एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिटेंशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑफ ऑडिटर। However, he is also required to observe confidentiality of these documents. Audit documentation, audit file जो है वो किसकी जिम्मेदारी है सर, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ऑनरशिप है, पर ऑडिटर को इन चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना है। Each firm should establish its own policy and procedure for retention of documentation. हर फर्म को क्या करना है सर, अपने रिटेंशन पीरियड लगाना है। However, minimum period for retention is at least 5 years. कम से कम तुम्हें 5 साल आयजा के हिसाब से, कब से 5 साल सर, ऑडिट रिपोर्ट डेट से लेके तुम्हें ये चीजें मेंटेन करनी है और उसको खत्म करना है। सर आ जाए पास पेपर पे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन सर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा, ये सारे पास पेपर अब तुम लोगों पे ड्यू हो चुके हैं। सारे मुझे नो लिख के भेज दें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें सर। सर आ जाओ क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल्स, स्टेट एट लीस्ट 5 कंटेंट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑडिट फाइल मेंटेन्ड बाय एन ऑडिट फर्म। कितने तरीके की सर, कितने टाइप्स होते हैं ऑडिट फाइल के सर? एक होता है परमानेंट, एक होता है करंट, दोनों के कुछ कुछ कंटेंट, 5-5 कंटेंट लिख देना, ये सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ परमानेंट फाइल एंड करंट ईयर करंट ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल। तो सर जो कुछ कुछ ये पांच नंबर है, ये टोटल 10 नंबर का सवाल है। ये मुझसे मार्क्स जो है ना इधर फॉर्मेटिंग में इशू हो गया है। 5 नंबर परमानेंट वर्किंग पेपर के, 5 नंबर करंट ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर के, तो 6-6 कंटेंट दोनों के लिख देना,
ये भी हो जाएगा. वॉट वॉट डॉक्यूमेंटेशन वुड यू एज अ फाइनल रिव्यूअर एक्सपेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ कंप्लीट वर्किंग पेपर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी. ठीक है ना, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेट डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे एज अ फाइनल रिव्यूअर कंप्लीटेड वर्किंग पेपर में, ये पूछिए सर. वही चीज आएगी, फॉर्म कंटेंट ऑफ अ गुड वर्किंग पेपर जो था, फॉर्म कंटेंट ऑफ अ गुड वर्किंग पेपर जो था, ये इसके अंदर वो चीज आएगी. आगे बढ़ूं, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5? या इसका कहोगे तो आंसर दिखा दूंगा. ठीक है सर. एज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन 6 रीड करने लगा हूं. एज प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर. हो जाएगा ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह. क्वेश्चन 7 पे आता हूँ. व्हाइल रिव्यूइंग, बिल्कुल आसान सवाल आएगा इसका, 5 से 12 नंबर तक का. व्हाइल रिव्यूइंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑफ द एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, यू हैव आइडेंटिफाइड दैट सर्टेन अमेंडमेंट वर मेड इन द फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, बात ये फाइनल ऑडिट फाइल पता है ये किसको कह रहा है. देखो, करंट ईयर ऑडिट फाइल जो होती है असेंबली के बाद, असेंबली के बाद मतलब जब मैं असेंबल कर लेता हूँ उसको, तो उसको उसका नाम, उसको नाम दिया जाता है फाइनल ऑडिट फाइल, कि भाई अब ये फाइनल हो गई, इसके अंदर अब कोई चेंजेस नहीं हो सकती, मजीद कोई चेंजेस नहीं हो सकती. कब सर? जब ऑडिट रिपोर्ट डेट साइन हो गई, उसके 60 दिन के अंदर मैंने असेंबल कर लिया, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ. अब ये फाइनल हो गया, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी. तो उसके अंदर जो आंसर होगा ना, वो जो मॉडिफिकेशन वाली, भाई कोई डिलीट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते रिटेंशन पीरियड में. हाँ, तुम मॉडिफाई कर सकते हो क्यूसीआर रिक्वायरमेंट की वजह से, पर तुम किसने मॉडिफाई किया, क्यों किया, रीजन सारी बातें लिखोगे. और जो टॉपिक छुड़वाया ना एक्सेप्शन वाली बातें, वो भी इसका आंसर बनेगी. जो टॉपिक छुड़वाया ना, जो एक पोर्शन छुड़वाया, वो भी इसका आंसर बनेगी. सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ. इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट द ऑडिटर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ हिज फाइनल ऑडिट फाइल. कितने दिन में करना है सर? ठीक है, सब जवाब दे दें. ठीक है सर, आएगा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिवाइज्ड. ठीक है, आएगा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिवाइज्ड establishes standards and provides guidance regarding documentation in the contents of audit financial statement. सर ये क्या कह रहा है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप खुद बताना. द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सवाल कर मैंने करवा दिया था. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट वर्किंग पेपर. हु इज द ऑनर ऑफ वर्किंग पेपर? कैन वर्किंग पेपर बी अ सब्स्टिट्यूट टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी? ऑनर कौन होता है वर्किंग पेपर का? फर्म होता है. What are the contents of permanent file and current year working paper file? ये भी आ जाएगा. What is leave schedule? इसकी भी नीचे definition लिख दी है मैंने. The preparation of working paper file is an integral part of auditor responsibility. Identify the factor that auditor should consider while determining the form, content and extent of audit working paper. How an auditor should prepare sufficient audit documentation? अभी ना ये सारे वही same question आ रहे हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं. ठीक है सर, सबको समझ में आ रहे हैं ना, सबसे पास पेपर हो रहे हैं ना, सब मुझे जवाब दे दें काइंडली. ठीक है सर, यू आर द ट्रेनिंग मैनेजर एट गवावा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट. सम ट्रेनीज इन द फर्म हैव रिक्वेस्टेड यू टू क्लेरिफाई following issues. Can auditor discard any audit document formatting part of his opinion after the issuance of audit report? Audit report के बाद auditor क्या कोई document discard कर सकता है? तो इस पे आपने comment करना है explanation समेत. ठीक है, तो सर अब the changes that can be incorporated during the final file assembly process setting 3 example. सर कोई 3 example दे दो आप इसके अंदर, जब आप assembly कर रहे हो तो कौन कौन सी changes कर सकते हो. The circumstances under which it becomes necessary to perform new procedures or add new document after the
ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द मैटर डेट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन सच ए सिचुएशन। तो इसके अंदर एक्सेप्शन वाली बात भी आ जाएगी, आखिरी वाला टॉपिक पूरा आ जाएगा। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आयदा 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम लिमिट टू कम्प्लीट द असेंबली फाइनल ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। सर कितने दिन होते हैं? सर 60 दिन होते हैं। सर उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसीजर अलाउड ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, तो वही वाले प्रोसीजर यहाँ पे लिख देना। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रोसीजर डेट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट फाइल, ये वही सेम चीज है। सर आगे आ जाता हूँ। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सलीन लिमिटेड वॉज साइंड ऑन 30th अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 20 रीड करने लगा हूँ। The audit report of Saline Limited was signed on 30th April after issuance of audit report. The auditor was informed that major debtor is bankrupt. अब ये ना ये बन गया subsequent event. तो ये फिलहाल सवाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना, जो सबसे आखिर में टॉपिक छुड़वाया ना, वो इसका आंसर है। ठीक है ना सर, ये subsequent event बन गया। ये सब्सिक्वेंट इवेंट फिलहाल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक करेंगे तो कवर हो जाएगा, ये टॉपिक सबसे आखिर में हो रहा होता है। तो इसका आंसर जो सबसे आखिर वाला है ना, जो हिस्सा अभी छुड़वाया मैंने आपको, वो यहाँ पे आ जाएगा। यू हैव रिसेंटली बीन प्रोमोटेड टू द ऑडिट मैनेजर इन द ऑडिट फर्म ऑफ, ठीक है, यू हैव रिसेंटली बीन प्रोमोटेड टू द ऑडिट मैनेजर इन द ऑडिट फर्म ऑफ Trumps and Company as a part of your new responsibility. You have been placed in the charge of audit of Specs for You Company, a long established audit client of Trumps and Company. Specs for You Company sells spectacles. The company owns 42 stores where customers can have their eyes tested and choose from a range of frames. List documentation date should be of assistance to you in familiarizing yourself with Specs for You. Describe the information you should expect to obtain from इस डॉक्यूमेंटेशन। बड़ा अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ड्राफ्ट करके कल भेजेंगे आप। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पहले छुपा लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पार्टनरशिप ऑफ स्मिथ फ्रैंक एंड क्लर्क अ सीपीए फर्म हैज बीन द ऑडिटर ऑफ ग्रीनलीफ इनकॉर्पोरेशन सर फॉर मेनी ईयर्स। ड्यूरिंग द एनुअल ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2002, A dispute developed over whether certain disclosure should be made in the financial statement. अब ये जो फॉर्म है, ये जो कंपनी है ग्रीन लीफ, इसने अपॉइंट किया स्मिथ फ्रैंक एंड क्लर्क को अब 2002 के ऑडिट के लिए। हुआ क्या, इन दोनों में झगड़ा हो गया। स्मिथ फ्रैंक एंड क्लर्क कह रहे थे तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये डिस्क्लोजर कुछ आने चाहिए, वो कह रहे थे नहीं ये हम नहीं डालेंगे। तो इस बात पे ना झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। The dispute resulted in Smith, Frank and Clerks is dismissed by Greenleaf ने क्या किया, इन दोनों को ना निकाल दिया, इस फर्म को ना निकाल दिया। ये तीन बंदे नहीं है, ये होगा ये कि स्मिथ फ्रैंक और क्लर्क तीन पार्टनर होंगे, तीन पार्टनर ने मिलके ये फर्म खोली होगी ऑडिट फर्म, जो कि प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हैं। ठीक है ना, अब हुआ क्या कि Greenleaf कंपनी ना इस फर्म को निकाल दिया, ऑडिट फर्म को, एंड Greenleaf engaging Another CPA firm और दूसरी फर्म को रख दिया। अब हुआ ये कि अब चूंकि देखो इन्होंने इनको रखा है ऑडिट करने के लिए, तो इन्होंने कुछ तो वर्किंग पेपर तो बनाए होंगे ना स्मिथ फ्रैंक और क्लर्क ने, कुछ तो काम किया होगा और जो काम किया होगा उसको डॉक्यूमेंट किया होगा। Greenleaf demanded that Smith, Frank and Clerk turn over all the working papers applicable to the Greenleaf audit or face a lawsuit. Greenleaf ने धमकी दी इस स्मिथ फ्रैंक एंड क्लर्क को के ऑडिट फर्म को, यार तुम ना तुमने जो काम किया है ना, ऑडिट किया है ना, वो सारे वो तुमने डॉक्यूमेंट किया होगा वर्क पेपर्स को, वो वर्क पेपर तुमने बनाए होंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की होगी, वो सारे ना तुम मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोगों ने क्या किया, या ये जो तुम मुझे दोगे तुम सारे मुझे वर्क पेपर दे दो, जैसे ना जो मैंने नई फर्म अपॉइंट किए ना मैं उसको दूंगी, जैसे उनका काम बच जाए और मुझे ऑडिट रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, वरना मैं अगर तुम लोगों ने नहीं दिया तो मैं तुम लोगों पे केस करूंगा, पर ये डॉक्यूमेंटेशन जरूर तुमसे लूंगा मैं। स्मिथ फ्रैंक एंड क्लर्क ने कहा जा बेटा नहीं देंगे तुझे, जो तुझे करना है कर। ग्रीनलीफ हैज इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट स्मिथ फ्रैंक एंड क्लर्क टू ऑब्टेन द वर्किंग पेपर। ग्रीनलीफ कंपनी ने क्या कर दिया, केस कर दिया।
क्या ग्रीन लीफ सक्सीड होगी इसके अंदर? सर सक्सीड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों सर? ऑडिट वर्किंग पेपर की जिम्मेदारी फर्म की है, वो तब दे सकती है जब म्यूचुअली एग्रीमेंट हो। बेटा प्यार से बोलते तो हम मान लेते हो, तुमने कहा नहीं अब तो हम नहीं देंगे। नो, बिकॉज ऑडिटर इज द ओनर ऑफ वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय हिम, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन हिम टू गिव देम टू द एनी अदर पर्सन अनलेस दिस इज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑडिटर। ठीक है सर?